हेलो गाइस, सो वेयर बैक विद अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कैसे हाउ न्यूनेस इंटर्स द वर्ल्ड, रिटन बाय होमी भाभा, एज इट इज इंक्लूडेड इन लिटरेरी क्रिटिसिज्म। तो ऑब्वियसली ये क्रिटिकल टेक्स्ट है, हम इसको समझने का ट्राई करेंगे इन वेरी शॉर्ट इजी पॉइंट्स। मैंने पूरे ऐसे के जो मेन पॉइंट्स हैं उनको ऑब्वियसली पॉइंट्स में ही लिख दिया है, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या लिख भी सकते हैं। उससे पहले हम होमी भाभा का इंट्रोडक्शन लेंगे, फटाफट से पढ़ लेंगे। सो स्टे टिल लास्ट एंड डू सब्सक्राइब प्लीज बिफोर यू मूव अहेड विद मी। सो लेट अस बिगिन अबाउट होमी भाभा। होमी भाभा एक इन्फ्लुएंशियल कल्चरल थ्योरिस्ट है, यानी कि कल्चरल फैक्टर्स पे, कल्चरल थीम्स पे अपनी थ्योरीज लिखते हैं, और ये जाने जाते हैं पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी और कल्चरल स्टडीज के लिए ही मेनली। इनका जन्म इंडिया में ही 1949 में हुआ। इन्होंने बहुत ही प्रेस्टीजियस इंस्टीट्यूशन से अपनी पढ़ाई खत्म करी, जिसमें इन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स और यूनाइटेड किंगडम दोनों जगह से ही पढ़ाई करी है। ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जैसी प्रेस्टीजियस जगह पे बहुत ही एक्सीलेंट स्टूडेंट थे। एकेडमिकली ही वाज एक्सीलेंट। यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में भी इनकी पोजीशंस रही हैं। सो लेट अस नाउ मूव अहेड विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम। हमारा ये टेक्स्ट इस बात को बताता है कि कैसे सोसाइटी बदल रही है, कैसे सोसाइटी में कॉलोनलिज्म के बाद, कैसे सोसाइटी में मॉडर्निज्म के बाद। आपको पता ही होगा इन दोनों टर्म्स का मतलब, अगर नहीं पता तो यू कैन गो एंड चेक आउट द अदर वीडियोस। फिर भी मैं बहुत ही छोटे तरीके से आपको बता देती हूँ इन अ वेरी ब्रीफ मैनर कि मॉडर्निज्म वो टाइम था जब जो आर्टिस्ट थे, पेंटर्स थे, राइटर्स थे, इन सब ने ट्रेडिशनल फॉर्म्स को छोड़कर एक नया तरीका अपना लिया था कि हम भी नई चीज़ों के बारे में लिखेंगे और खुलकर लिखेंगे। तो उस टाइम के बाद की बात, और पोस्ट कॉलोनियल मतलब जब इंडिया को कॉलोनी बना लिया गया था, ब्रिटिशर्स ने कॉलोनी बना लिया था, यहाँ पे आके उन्होंने अपनी सत्ता जमा ली थी और यहाँ के लोगों को अपने अंडर रख लिया था, दैट वॉज द कॉलोनलिज्म। अब इन दोनों चीज़ों के बाद जिस तरीके के चेंजेस आए, जो न्यूनेस आई हमारे नेशन में, उसी बात की यहाँ थ्योरी दी है होमी भाभा ने। साथ ही साथ ये जोसेफ कॉनराड की हार्ट ऑफ डार्कनेस जो नॉवेल थी, आपने प्रीवियस सेमेस्टर में जरूर पढ़ा होगा इसको, अगर नहीं पढ़ा तो आप इसकी एक शॉर्ट समरी देख सकते हैं। तो इसके साथ लेके कि कॉलोनलिज्म की बातों को, कि कैसे जब किसी स्टेट को या कंट्री को, किसी जगह को कॉलोनी बनाया जाता है, तो वहाँ पे कैसे कल्चर का लॉस होता है, वहाँ की जो कल्चरल इम्पोर्टेंस है, सिग्निफिकेंस है, उसका लॉस होता है, इस बात को इन्होंने बताया है। आई होप यू आर गेटिंग मी। इफ यू आर नॉट क्लियर विद द पॉइंट, यू कैन कॉमेंट डाउन एंड आई विल मेक श्योर दैट यू अंडरस्टैंड इट। आगे बढ़ते हैं। पोस्ट कॉलोनियल डिस्कोर्स। द टेक्स्ट रिफ्लेक्ट्स ऑन पोस्ट कॉलोनियल डिस्कोर्स, क्वेस्ट फॉर नॉलेज, ऑफन ड्रिवन बाय रेडिकल क्यूरियोसिटी रादर देन पॉलिटिकल विजडम। एक बात का एग्जांपल लेके इस पॉइंट को समझते हैं। इस एसे का नाम बिल्कुल मत भूलना जब तक हमें वीडियो चल रही है, हाउ न्यूनेस एंटर्स द वर्ल्ड, नई चीजें दुनिया में आ रही हैं। तो जब कॉलोनियलिज्म हट गया, हो गया, चलो हमारा जो इंडिया है आज़ाद हो गया, तो क्या आज़ादी के बाद लोग सब कुछ रैंडमली भूल गए, सब कुछ वो बहुत जल्दी उसको भुला के आगे बढ़ गए? नो, देयर वॉज अ पोस्ट कॉलोनियल डिस्कोर्स, यानी कि लोगों के मन में, लोगों के दिमाग में एक इम्पैक्ट रह गया और एक ट्रॉमा रह गया। हार्ट ऑफ डार्कनेस में देखा था कि कैसे एक पर्टिकुलर प्लेस को कॉलोनी बना लिया गया हो, वहाँ के लोग सफ़र करते हैं, वहाँ के लोग एक तरीके से अंधेरे में चले जाते हैं। ऐसा ही वो कंपैरिजन ड्रॉ कर रहे हैं कि पोस्ट कॉलोनियल एक प्लेस जो होती है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होती है समझने में, क्योंकि कोई भी चीज़ का जो आफ्टर इफेक्ट होता है वो ज़रूर आता है, एंड दैट इज़ अ ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस। कल्चरल ट्रांसलेशन। Through the character of Marlowe from Heart of Darkness, the text explores the intricacies of cultural translation and the suppression of uncomfortable truths in colonial narratives.
It discusses the challenges of conveying experiences of colonialism, which are often marked by incomprehensibility and cultural dissonance. यहाँ पे कहते हैं कि जैसे हम हार्ट ऑफ डार्कनेस में जो हमारे सेंट्रल करेक्टर थे मार्लो, मार्लो बताते हैं इस करेक्टर से अपने कि जब वो अफ्रीका गए थे द कॉन्गो रिवर को देखने, तो वहाँ पे दिन के टाइम भी उन्हें एक अंधेरा दिखा, क्योंकि वो जगह उस टाइम कॉलोनाइज थी, वहाँ पे कब्जा जमाया गया था, किसी और की सत्ता थी, और इसी बात से वो ऐसे वर्ड्स यूज करते हैं, दिन के टाइम भी अ डार्क प्लेस, मोर्नफुल, स्कार, ग्रिम, इविल, जिनसे दिखता है कि एक प्लेस जिस पे कॉलोनलिज्म का आई एम अ लिटिल वीक एट प्रोनाउंसिंग दिस वर्ड, सो आई होप यू कैन मैनेज विद दैट. तो बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि किसी और की वहाँ पे सत्ता थी, तो वहाँ के लोग कैसे सफर कर रहे थे, दिन के टाइम भी उन्हें अंधेरे का अंधेरे की प्रेजेंस दिख रही थी, कि ऐसा लग रहा था जैसे उनकी लाइफ तबाह हो चुकी हो, उनकी खुद की कोई आइडेंटिटी ना बची हो. तो यही बताते हैं यहाँ पे हमारे होमी भाभा कि जैसे हार्ट ऑफ डार्कनेस में मार्लो ने देखा था ये सब हालात को, वैसे ही हम भी देख सकते हैं कि कोई भी कॉलोनियल नैरेटिव ये जरूर शो करता है कि कोई भी प्लेस जो कॉलोनी बनी है कभी ना कभी, उसकी आफ्टरमैथ रही है, उसकी जो कल्चरल सिग्निफिकेंस है वो खो जाती है, क्योंकि जो आउटसाइडर होता है वो अपने कल्चर्स को हम पे थोपना शुरू कर देता है. पोस्ट मॉडर्निज्म एंड ग्लोबलाइजेशन. द टेक्स्ट एग्जामिन्स पोस्ट मॉडर्निज्म एंड ग्लोबलाइजेशन, ड्रॉइंग ऑन थियोरिस्ट लाइक वॉल्टर बेंजामिन एंड फ्रेडरिक जेम्सन. इट डिस्कसेस हाउ द पोस्ट मॉडर्न कंडीशन डिस्टर्ब्स ट्रेडिशनल नैरेटिव एंड क्रिएट्स न्यू फॉर्म्स ऑफ कल्चरल एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटी. ये कहते हैं कि जब मॉडर्निज्म के बाद के जो राइटर्स हैं वो ट्रेडिशनल नैरेटिव की तरह नहीं है, उनके राइटिंग स्टाइल बहुत बदल जाता है, क्योंकि मॉडर्निज्म आया, क्योंकि जगहें कॉलोनी में बदल गई थी, वहाँ की कल्चरल सिग्निफिकेंस बदल गई, इसलिए लोगों का लिखने का स्टाइल भी बदल गया, और इसी चीज से एक न्यूनेस आ गई. अगेन रिमेंबर द टाइटल ऑफ दिस, हाउ न्यूनेस एंटर्स द वर्ल्ड. मूविंग फॉरवर्ड, इट इज हाइब्रिड आइडेंटिटी. एग्जाम्पल दे देती हूँ फटाफट से. अगर आपने कोई भी मूवी देखी हो जो कॉलोनलिज्म से कनेक्टेड हो, चलो केसरी अगर आपने देखी है, केसरी मूवी, तो जरूर आपने देखा होगा कि दैट इवन द सिख पीपल आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द ब्रिटिशर्स. दे स्टार्ट टू बिहेव लाइक, दे स्टार्ट टू फॉलो सर्टेन कल्चरल सिग्निफिकेंस दैट दे फॉलो, और इसीलिए ना एक हाइब्रिड कंडीशन बन जाती है, जिसमें एक पर्सन जो एक कॉलोनाइज जगह पे रह रहा है, वो जो कॉलोनाइजर है जिसने यहाँ पे सत्ता जमाई है, उसकी चीजें भी अपना लेगा और अपनी चीजें उसके पास है ही, यानी अपनी कल्चरल सिग्निफिकेंस उसके पास है ही. तो इसीलिए बन जाती है एक हाइब्रिडिटी, यानी कि अब जो न्यूनेस आ गई कि जो लिखेंगे लोग वो अपने तरीके से भी लिखेंगे और कॉलोनाइजर की तरीके से भी लिखेंगे. टेम्पोरल डिस्टंक्शन. बेसिकली टेम्पोरल डिस्टंक्शन का मतलब होता है दैट हम प्रेजेंट में जी रहे हैं, यानी कि अब तो चलो कॉलोनाइज नहीं है ना, हम फ्री है ना, यानी कि हमारा जो कंट्री है, जो स्टेट है, कोई भी यहाँ पे किसी आउटसाइडर की सत्ता नहीं है, फिर भी हमारी जो थॉट्स हैं, हमारे जो हिस्ट्री रही है वो को एग्जिस्ट करती है, यानी हमारी हिस्ट्री में प्रेजेंट है हमारे साथ कि ये एक बारी हुआ था, तो हमारे दिमाग में उसका इम्पैक्ट है, हम उसको पढ़ते हैं, हमें वो याद है, हम भूल नहीं रहे. सो दैट इज अ टेम्पोरल डिसजंक्शन. चाहे वो चीज़ बीत चुकी है, फिर भी वो चीज़ हुई थी, उसका इम्पैक्ट अभी तक है, और इसी चीज़ की जो इफेक्ट है वो हमारी राइटिंग स्किल्स में भी दिखता है. That is all for the video. I hope you understood it. Thank you for watching. Do not forget to subscribe before you leave.